मैनपुरी में 2 साल से फरार इनामी ठग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह ठग मैनपुरी, मथुरा, फरुखाबाद समेत कई जनपदों में ठगी कर चुका है, जहां इसके खिलाफ कई मामले भी दर्ज हैं और पुलिस ने 20,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। बता दें कि कुछ समय पहले आरोपी ने क्षेत्र की एक महिला के सारे जेवरात ठग लिए थे। वहीं बताया जा रहा है कि आरोपी का परिवार भी ठगी के काम में साथ देता था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के पास से एक तमंचा बरामद किया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये सातवें ठग है जो कि यहाँ पर एक महिला नीलम दुबे के सारे गहने ये धोखाधड़ी करके हड़प लिया। इसके अतिरिक्त ये आगरा में इसने जो है इसी तरह धोखाधड़ी कार्रवाई की थी। फतेहगढ़ में भी इसके विरुद्ध, मथुरा में, कई जनपदों में ये इसने जो है लोगों को ठगने का काम किया था। पिछले 2 वर्षों से फरार चल रहा था, इसका पूरा परिवार शामिल था ठगी के व्यवसाय में और ये 20,000 रुपये का इस परिवार भी घोषित था और ये रहने वाला बेसिकली राजेश यादव, ये एलाऊ क्षेत्र का है। तो मकरूरी में इसमें आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया गया था, इस पर रिवार्ड भी घोषित था। आज हमारी साइबर स्क्वाड की टीम और लोकल एसएचओ ने इसको अरेस्ट किया है, इसको आज जेल भेजा जा रहा है और इससे आगे भी पूछताछ रिमांड पर लेकर हम लोग करेंगे। इसके द्वारा जो सामान बरामद अभी तो नहीं, पूछताछ इससे हुई है लेकिन चूंकि अभी समय कम था और हमें माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करना है, इसके बाद इसको हम लोग रिमांड पर लेंगे और रिमांड लेकर फिर आगे।